गाइज हाउ यू एवरी वन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ माई पल्सर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ स्टार्टर क्लच प्रॉब्लम। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम है कि स्टार्टर क्लच खराब हो चुका हुआ है। ये प्रीवियस क्लच है जो मैंने इसमें कंपनी जब फिटेड आया था, जो वो ये आया है, आप देख सकते हैं कितना बर्न आउट हो चुका है। दिखाता हूँ आपको कहाँ से बर्न आउट हुआ है, फ्रॉम वेयर इट इज़ बर्न आउट आई शो यू। एज यू कैन सी दिस पार्ट इज टोटली गॉन वॉर्न आउट। दिस इज वॉर्न आउट एज यू कैन सी द मार्क्स ऑफ द रोलर्स हेयर। यू कैन सी क्लियरली द रोलर मार्क्स हेयर। फोकस ही नहीं हो रहा। ओके, यू सी द रोलर मार्क्स हेयर, दैट वाइट कलर, दैट इज द मार्क ऑफ रोलर दैट वॉर्न आउट दैट स्टार्टर क्लच। ये घिस चुका है, ये वॉर्न आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपका ये स्टार्टर क्लच होगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो, तो प्लीज़ आपके अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका मोटरसाइकिल चार साइकिल में काम करता है, इंटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट। आपका इंजन चार साइकिल में काम करता है, इंटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट। तो ये स्टार्टर क्लच का क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार ये वन सीट रोटेट देन गलती से बैक आता है विद रॉन्ग पोजिशन लाइक दैट योर फोर स्ट्रोक विल बी किल्ड। आई विल शो यू, इट विल मे कॉज योर बैक फायर। मतलब कि आपका जो स्टार्टर क्लच है ना, आपका जो स्टार्टर क्लच है उसके कारण आपका जो फोर साइकिल इंजन है उसका फोर साइकिल कंप्लीट नहीं होते। द स्टार्टर क्लच डज नॉट हेल्प यू कंप्लीट द फोर साइकिल टू स्टार्ट योर इंजन। इट मे बैक फायर बिकॉज द फोर साइकिल विल किल। आई विल टेल यू, इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट। Your starter clutch should be rotate like that. Intake, compression, ignition, exhaust. Full rotation should occur, then it will start your engine. What happened is that if your starter clutch is worn out, then it will kill your fourth cycle and it may cause your backfire. I faced that problem. It is fatal for you. Intake, compression, ignition, again intake. It cause your backfire. It will dislocate your carburetor, as you can see. The carburetor is that dislocate from his original position. It is not a DTS F5 model, it is now a carburetor motorcycle because the F5 problem has a issue with that. So you can see that this carburetor is not located properly because it may cause, it has a backfire problem because of that faulty, we can say that starter clutch. It has a starter clutch, a faulty starter clutch, and I am going to replace from a trained mechanic. It needs a special tool like मैग्नेट पुलर, 8 नंबर गोटी एंड अदर स्पेशल टू लाइक दैट मैग्नेट पुलर वगैरह, व्हाट यू यूज दिस। कहने का मतलब अगर आप गाड़ी आपकी जो है ना स्टार्टर क्लच उसके फोर साइकिल होते हैं इंजन के, इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, तो आपका क्या होता है जो चौथा साइकिल है वो किल हो जाता है, जैसे जैसे बैकफायर आ जाता है। इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन, अगेन इनटेक, इट मे कॉज बैकफायर एंड इट इज़ फेटल फॉर यू। इट मे डिसलोक आपका जो कार्बोरेटर है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब बैकफायर आता है, चौथा एग्जॉस्ट का जो होता है स्ट्रोक उसे बैकफायर आ जाता है, तो आप एक तरह से पटाखा बढ़ जाता है बाइक का, पटाखा बढ़ता है, मेक ऑज अ बूम साउंड। और जब पटाखा आता है ना वो बंदे को डरा भी देता है, वो आपकी गाड़ी के खतरनाक भी होता है, आपके लिए खतरनाक होता है, गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कार्बोरेटर पेट्रोल से भरा होता है, तो जैसे बैकफायर आता है ना, ये आपकी ये या तो ये रबड़ फटेगी या तो होगा कार्बोरेटर डिसलोकेट हो जाएगा, मतलब कि अपनी जगह से हिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी को प्लीज़ आप स्टार्ट करने की कोशिश ना के लिए सेल से। हाँ, धक्का स्टार्ट करके लेके जा सकते हैं अपने मैकेनिक को, धक्का स्टार्ट करें, पुश स्टार्ट, यू शुड पुश स्टार्ट योर व्हीकल, इट इज़ नॉट अ डेंजरस। बट इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट विद अ बैड स्टार्टर क्लच, इट मे बी फेटल फॉर यू। योर टैंक में ब्लास्ट बिकॉज ऑफ दैट फायर, और मैं कार्बोरेटर में ब्लो अप और मे बी डिसलोकेट फ्रॉम योर इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो आई ट्राई टू शो यू वट इज़ द मेन प्रॉब्लम आई हैव। सो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू सेफली शो यू हाउ वट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ माई व्हीकल, आई रिमूव योर स्पार्क प्लग। तो आपको सेफली मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है व्हीकल की। तो अनदर साइड आई रिमूव स्पार्क प्लग सो दैट इट मे नॉट बैक फायर। लेट इट शो यू। Ignition on. Have you heard that? That is a bad starter clutch problem.
Have you heard that this is a problem of my vehicle? So please, I recommended you not to start your vehicle. It is fatal for you. You can see that the starter clutch is not working. So that is the bad starter clutch that it has. So I show you, I brought a new genuine part from Bajaj. These are the roller kit for the starter clutch, which they insert in. This is the roller kit. It cost me 75 rupees. And this roller kit, this cost me 650 rupees. 615. Here is written 1613, that is 616, including taxes. So this is a kit. You can see this is brand new. This is BS4 vehicle Pulsar 220 roller kit. Wait, I will show you. You can see that the difference, very much difference. There are the roller marks. In this, there are the roller marks. You can see that there are the roller marks. They completely worn out that part of that clutch, starter clutch. इसको ये पूरा घिस चुका है, ये roller mark लगे, देख सकते हैं आप ध्यान से. And this is the new one. This is a BS4 Pulsar 220 part, same as this old one. I match it at night. I bought it from that genuine part from Bajaj. This is a new one. So I recommended you should replace this part, because otherwise you will face the difficulties or you may face the fatal backfire problem from your Pulsar. मतलब कि आपको इसे replace करना ही पड़ेगा पूरे kit को. आपको roller replace नहीं करना, आपको पूरी kit change करनी पड़ेगी ताकि आगे चल के ये problem ना आए. और सबसे बड़ी बात, जो आपकी backfire की problem है वो इसी करके आए. देखिए, कई लोगों ने ये face की होगी problem, I think so. So I recommended not to start your vehicle by yourself. Self start, मतलब कि you should not start your vehicle from self start. You should push start your vehicle. It is not dangerous. If you try to start your vehicle by self start, it may be fatal for you. It will backfire. It will maybe cause very fatal things like carburetor dislocation, and your vehicle may be burn yourself. So I am going to take this part and get it installed by a trained mechanic. They will use a special tool, like a, we can say that magnet puller and other openings. They require to open that. There is the starter clutch which I am facing the problem, and I am going to install that. And I will be back and join this video, and hope you like this video. I will be back after the installation, and hope I will make this video again. मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि इस पे वीडियो बनाऊँ मैकेनिक का काम करते हैं कि. So stay tuned. This is the roller assembly मेरे. So he's now going to open that clutch case, that magnet gate where the starter clutch is located. I will back after opening. जाम हो गया ना अभी. बंदे ने पिछली बार उत्ते फसा के कुछ किया, छोटी कावला जिता सी फसा के किया. फिर की हो गया यार, दोस्त नहीं भेजा कोई सारी, इंटरनेट तो मशहूर हो जाएगा अपना भाई. लकी चीट. यस, नाउ विल इट विल ओपन. यस,
चीटिंग इतने किसकी है? चीटिंग दिस इज कॉल्ड चीटिंग एंड आपा चीटिंग कहता है। देख लोकेशन बंदे किथे सॉलिड मीटिंग सो अनलिमिटिंग लोकेशन वेयर दिस बाइक इज रिपेयरिंग एंड दिस इज प्रोफेशनल मैकेनिक ऑफ पल्सर 220 मैग्नेट इफेक्ट पहला भी इदा ही कढ़िया सी नहीं उन्हें कूलर लेके कढ़िया सी उन्हें कूलर पाया सी उसका कूलर नाल खिंचे सीगा उन्हें पहले कूलर लिता सीगा मैग्नेट बोल रहे ना पहले नट बोल रहे बाद में लाएगा मैग्नेट प्लेयर काम सौखा नहीं है ना ये ट्रेड मैकेनिक काम कर रहा है सड़ता पेना इस पिन को भी रिमूव करना है की वीडियो बनाई जाते भैया चलो बना दे लोगों को नॉलेज तो मिल जूगी सारी कि पता लगा कि जो स्टार्टर क्लच खराब होता बैकफायर नहीं मारा मैं बैकफायर मारा थी कल परसों ने एक कार्बोरेटर बाहर आ गया थी बैकफायर मारा ठा पटाखा बोले डर गया मैं इतना धुआं निकले नालों एक होंगे ना इनटेक कंप्रेशन इग्निशन एग्जॉस्ट इनटेक द्वारा आ गई चौथी जगह से धक्का पै गया महल जो ये मैं पता नहीं की हो देखा पता लगे सारा कार्बोरेटर बाहर आ गया बैकफायर करके स्पेशल टूल रिक्वायर्ड है नीचे पिन कटी सी पिछे लगी है कड़ी पिन इतने जो नीचे लगी सी उत्थे पिछे चलो कटिए बार चक लो रब लैके मैं पढ़ देता निकल गया लग रहा हो गया आउट है हो गया आउट इट्स कम आउट आ गया बाहर भी तगड़ी पकड़ बनाई सी इन्हें आ देख ले लुक एट द कंडीशन ऑफ दैट रोलर्स ब्रेकिंग साइड यार एक खासियत मेन कॉमन प्रॉब्लम है ना पल्सर 220 की बहुत आती है सो माई पल्सर इज रिपेयरिंग एट स्वानी मीटिंग नियर लुधियाना पंजाब सी द प्लेस देख लो सारी मार्केट रोलर खोल कर आप पुरानी रोलर की मैं नाल दे रही ये भी थोड़ा डिस्क्राइब करना की वो तेरी कंडीशन देख कि सारे रोलर तेरे टूट गए प्लास्टिक नहीं हाथ के लुक एट द कंडीशन दे ऑल दैट
rollers are broken, plastic parts, you can see, all are broken. And this is the old one, you can see the condition of springs, how they badly worn out, you can see that. Look at that, you can see this is worn out, this is now worn out part. This is new one, they are going to install, complete set. होगी चल रिकॉर्डिंग हो रही है. सारी चीज़ें ना काफ़ी पैक कर दी, मैं बाद में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम आएगी. तो दिस इज अ न्यू वन, दिस इज BS4 पल्सर 220 starter clutch, and this is old PS3, this is PS4, totally worn out, now installed. 83 LPs to stop down. Look at the gears, this is main starter connected motor. तो ये ताई ने बैक फायर मारे थे, पटाखा मारे थे, कार्बोरेटर बाहर आ गया. ये फुटू साला सन ऑफ फकिंग बिच दैट गोल्ड वाला दैट इडियट पर्सन. हाउ नॉइजी दैट बुलेट वाज. See the all assembly of that rollers, they are seated properly. If one will stupid man, that was that son of fucking bitch. Install that correctly. That bullet was disturbing a lot, making noise. That son of fucking bitch, I am abusing him. Sorry for that. सो दिस इज रोलर इंस्टॉल इन इट. देखिए बैक घूमता है, बैक स्टॉप है ना, मतलब पीछे स्टॉप हो रहा है ना. ठीक है, सो वी आर सक्सेसफुल इंस्टॉल दैट रोलर्स इन इट. सी दैट बैड वन. नाउ माय ट्रेंड मैकेनिक, व्हाट्स योर नेम ब्रो, नाम की थोड़ा है सोनू. द सोनू मैकेनिक इज अ ट्रेंड प्रोफेशनल पल्सर मैकेनिक, रिपेयरिंग माई पल्सर स्टार्टर क्लच. ही इज गोइंग टू इंस्टॉल दैट. ये मतलब कि है लोगों को नॉलेज मिल गया, होर इतने आओगे, प्लेस भी दसती है कि कितने सोनी बिल्डिंग हैगी जगह. तो साहिब आटो के ऑपोजिट है, साहिब आटो स्पेयर पार्ट के ऑपोजिट. ये वर्क देयर गाइड बिन रखती है अंदर, गाइड बिन रखती ना उन्होंने को ड्राई अंदर. तू ही बड़ा खप्पी है साले, फिर टीका लगा लो अंदर. तेरे टीके ला दे, तेरा टीका लाऊंगा साला. चंगा गल है. इंस्टॉल हो गया, सही तरह पेन ठीक है. बस करो ट्रक करो जो मर्जी करो. नाउ इंस्टॉलिंग द गाइड पिन दैट होल्डिंग पिन रिकॉर्डिंग पिन. इन्हें जरा नवा क्लच मंगाया ना, बोला था इस करके बनाया हुआ क्योंकि प्रॉब्लम आती होनी बहुत है ना क्लचा जो रोलर की तरह कितना उठ गया, धक्का पै गया. ठीक है, दैट ओल्ड वन रोलर किट. चल बाद आप पाओगे रोलर, ठीक है, सारा क्लच पुराना वापस पा देंगे. लेके जाना, मैंने डिस्क्राइब करना ना कि प्रॉब्लम होती है असल च.
बेकार हो गया, वो तो पुराना वाला घिस चुका सारा। और नवा वाला BS4 मॉडल का आएगा। पहले मैं BS3 वाला सी मेरे को क्लच कंपनी में लेकर खाया, मैं यही नहीं पाऊगा, कहना यही पेगा BS3 वाले जी। और BS4 था पाया पहले, ना ना भरा देते जब जानते पे नाले कलाव जाना जी। हम छोटो ने दो थप्पड़ मारे तेरे से जिन्ने तन ने बाहर कटते सके तेरे मसा मसा मैं अंदर कर करता ओए साला गंजा मो चीटिंग करनी वाली थोड़ी जी इथे डाल रहा मैं ना चीटिंग ये चीटिंग कहंदे है नकल कर दे नकल में चीटिंग कर दे हला तो देखी मेरे ना उठे जाने गोली वर्गी छोटी है गोली वर्गी ऊपर कागज लगा बस ओवरटॉक हो गया बोल सही जगह लग गया ना पर चीटिंग हुई चल हो गया बहुत जिन्ना है जिनी चीटिंग हो गई सी होगी बस ओ मेन नट है गए अच्छा अच्छा मैग्नेट अंदर उतरेगा नहीं ध्यान ना लगे होए टूट दे एल्युमिनियम जा छली चल नाउ इट्स टॉर्क ओपे जो लावे दा मोबाइल मेरा हो गया सी सेट मोबाइल ऑफ लाइटिंग मोबाइल बस हो गया उठे गया बोर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड वी हैव चीटेड दैट टू होल्ड दैट मैग्नेट फॉर चीटिंग फॉर टॉर्किंग यू अंडरस्टैंड दैट हाँ पुराना प्यास सारा दिस इज ओल्ड वन और टोपी वाला वो देखा तू ही कहता है साला पहली बार पाया क्लच था दूजे ने साथ उड़ गया क्लच की नाम है उसका रोलर होता है टोपी ने हाँ मैं कौन तेरी वीडियो पाया ना पर नेट पे पता तो लगो बंदा कौन काम करता सही और वीडियो ने भाई बनाई सी वीडियो मैं पा सोचा पा लाँगा दो तीन बार मैं चक के डीटी मारी लग गया अच्छा सीटेड प्रॉपरली टाइम तो नहीं पता लगा बताओ इंस्टॉल्ड तो नट लग गए जगना सो द स्टार्टर क्लच हैज इंस्टॉल्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल होप इट वाज सक्सेसफुली स्टार्ट जवाक दे गए लड़ते रहते हैं मेरे सारे सो वी आर द मोटर स्टार्ट यस वी आर गोइंग स्टार्ट सी राइड ना ना ब्रा तुझे बनो पुतियो सो वी आर सक्सेसफुली स्टार्ट द मोटर सो दिस इज मोटरसाइकिल सक्सेसफुल स्टार्ट बस हो गया बहुत सी दैट ओल्ड क्लच टोटली वॉर्न आउट सो आई एम गोइंग टू बैक टू होम आफ्टर द पेमेंट गाइज वी आर बैक टू होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब ऑफ स्टार्टर क्लच रिप्लेसमेंट विच आई शो यू नाउ सी दैट बोथ क्लच स्टार्टर क्लच यू कैन सी दैट दिस इज द प्रीवियस वन विद द First day when I brought the bike, this was the first one. This was the second one. You can see that the condition, how bad it was. See the plastics that all was broken inside, which was not ready to make the engine to crank, which was not ready to start the motorcycle. You can see in previous few minutes ago, you can see that how bad the spring was. See that how it was badly bent. broken and half broken and it's totally gone. You can see that all the plastics which was remaining like this, see that broken one plastic,
these are the plastic which holds the rollers, and there are the rollers like this, and in between them there is plastic which hold the roller. So you can see that how badly was the starter clutch. And guys, I remember you one thing, don't replace only the roller, you should replace that all the starter clutch kit, because if you going to replace the roller, it will not last for long time. It will just run your engine approximately 500 to 600 kilometers, or less than 500 kilometers. Mine was running less than 500 kilometers. So in previously I replaced it at 29,500 kilometers, now 30,000 kilometers, it was totally again the problem occurs. So my advice guys, you should replace the whole set, because these rollers are worn out. The rollers got worn out with that, you can see that there the roller worn out, you can see in this the worn out sign, you can see here is the worn out sign. So there is no benefit of only replacing the rollers, you should complete set replacement is required so that your engine should crank. I will show you how it work properly now. So the light is on, see this. Now my engine is working good. You can see there is no backfire, no back crank, no cluck cluck rattle noise in that clutch. There is no any kind of rattle noise, no backfire problem. As you can see, I have previously explained you that I have backfire problem, no proper engine cranking. The engine cranked back towards that first stroke. Intake, compression, ignition, again intake, not exhaust. And that means that starter clutch is faulty and it cranked back that my engine. That caused a backfire, that caused a back of fire of my carburetor, that may tear your rubber and make a bang noise from which you may got afraid. So my advice is to replace the whole clutch kit system of starter clutch, so that you might not face any kind of serious problem like backfire or any kind of rattling noise which I show you previously few minutes ago. So mera ye kehna hai ki aap clutch kit ko pura replace kare, kyunki clutch ke liye sirf roller paane ka koi fayda nahi. Wahi problem same karogi 500 km ke baad bhi, to fir long lasting ke liye aapko pura clutch kit replace karni padegi, nahi to aapko engine kholne ki problem nobat aati rahegi. So guys, kaisa laga aapko video, how did you like the video, do you like this video? So share it, like it, and thanks for watching. See you again guys, this is for advice, okay? Take care, ride safely, and stay tuned for more videos on my Pulsar, on my that my Activa, and that my baby CVR in future, okay? Take care, ride safely guys, I love you all, your Pulsar lover CG 2444, okay? Bye guys.